हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैथ्स के केवल 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोअर पीसीएस और एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और कई बार इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और लास्ट का एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको खुद सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को अगर आता है तो आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है ऊपर वाला ये होता है अंश, ये होता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको जो डिनोमिनेटर होता है उसके से मल्टीप्लाई कर देना होता है और प्लस के साथ। जैसे कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा रूट 8 प्लस रूट 2 से। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने रूट 8 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट 8 प्लस रूट 2 है, इधर भी रूट 8 प्लस रूट 2 है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके अपॉन आपको पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया गया है। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया प्लस का, नीचे हो गया रूट 8 ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया तो हमारा आ गया 8 स्क्वायर मतलब कि 8, बी स्क्वायर मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर 2, उसका 2ab, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 8 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको सिंप्लीफाई करना है दिस, तो आपको पता है क्या करना होगा, जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का विच इज़ प्लस, आपको ऊपर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस करके हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे हमने बताया कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने और फिर हमारा आंसर आ गया 4 माइनस रूट 15। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को कर लेना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ ग्रेटर, रूट 3, रूट के अंदर 4 है, 3 क्यूब है और इसका ये, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, इधर दिस और दिस। तो इसको सॉल्व करने का एक ईजी प्रोसेस है, हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि आपका दिया है यहाँ पे रूट 3, सॉरी रूट के अंदर 4 है, क्यूब रूट 4, और क्या दिया है रूट 5। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो है 3 और 4 इसका निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो 12 एलसीएम आएगा तो बस हमको उसी के बराबर कर देना है। रेज द पावर ऑफ बोथ द सर्ट्स बाई 12, यानी कि आपको ये दिया है तो ये हो जाएगा 4 1 बाई 3 और जो एलसीएम आया उससे यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 5 दिया है तो 5 का हो जाएगा 5 1 बाई 4 और एलसीएम जो हमारा आया उसकी यहाँ पे पावर कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे किया तो 4 का पावर 4 आ गया, इसका आया 256 और इसका आया 5 की पावर 3 यानी कि 125। अब आपको चेक कर लेना है कि 256 और 125 में कौन ग्रेटर है, और जो ग्रेटर हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा विच इज़ 256, यानी कि
ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने तीन क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको एक क्वेश्चन ही है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का था, मैंने केवल तीन ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। आपको हिंट दे देती हूँ, इसमें 4 और 5 का एलसीएम लेकर के आपको उसकी पावर करके सॉल्व कर लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।